नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। देश दिवाली पर पटाखा फोड़ने या नहीं फोड़ने के मसले पर चर्चा में मशगूल है, पर हमारे बीच एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस चिंता में डूबा है कि दिवाली पर घर में दिए कैसे जलेंगे, बच्चों को नए कपड़े और मिठाई कैसे देंगे। और हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बेघर बंजारों की जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि ये व्यथा उनकी है जिनकी बदौलत हमारी थाली में पकवान सजते हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों की, उन किसानों की जिनके शुभचिंतक बीजेपी सरकार खुद को बताती है। आय दोगुनी करने की तारीख तो अभी दूर है, फिलहाल किसान मुनाफे के बारे में सोच भी नहीं रहे, उन्हें तो बस खेती की लागत निकल जाने की चिंता है और नुकसान से उबरने की उम्मीद। पर उनकी उम्मीदों पर कथित किसान हितैषी सरकार और सरकारी व्यवस्था पानी फेरने में लगी है। मंडी में मजबूर किसानों को समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा, जबकि व्यापारी और बिचौलिए मुनाफा कमाने में लगे हैं। खून पसीना एक कर फसल तैयार करने वाले किसान मंडी में खून के आंसू रोते हैं। 2 रुपए के चूर्ण का दाम भी बेचने वाला तय करता है, पर किसानों के फसल की कीमत खरीदने वाले तय करते हैं, और वो भी मुनाफाखोर, मेहनत की कद्र नहीं करने वाले खरीददार। किसानों की फसल औने पौने दाम में बिक जाती है, सरकार सुध नहीं लेती, अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते, विभाग की व्यवस्था चौपट है, बैंक और साहूकार कर्ज वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, और मंडी में किसान की स्थिति विक्रेता के बजाय याचक सी बन जाती है। राजस्थान सरकार ने फसल का समर्थन मूल्य तो तय किया है, पर किसानों को समर्थन मूल्य मिले ये कौन सुनिश्चित करेगा। जयपुर के चौमू स्थित सरकारी मंडी में कथित किसान हितैषी सरकार के नाक के नीचे किसानों का शोषण हो रहा है। मूल्य गवर्नमेंट ने 1355 कर रखा है, लेकिन व्यापारियों की मिली भगत से 1100 से ऊपर काश्तकार को नहीं मिल रहा है जी। काश्तकार पानी से दुखी है, बिजली से दुखी है, और समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है। बैंक का कर्जा है काश्तकार पर, बैंक का कर्जा टाइम पर दे नहीं पा रहा है काश्तकार को, अपना समर्थन मूल्य मिल ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ मूंगफली सर मध्य बिक रही है 3400 से 3800 रुपये बिक रही है जी, और गवर्नमेंट की रेट है 4450 रुपये। तो अभी गवर्नमेंट इसकी कोई खरीद नहीं कर रही है, और हमारे पीछे ये जो मजदूर हैं वो हम जो भी मजदूर करके लाते हैं वहाँ से उनको पैसा देना पड़ता है, बैंक वालों को चुकाना पड़ता है, और सब खर्चे लगे हुए हैं, पढ़ाई का देना पड़ता है, तो हम दुखी हैं इससे। तो बेचने में हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे को जो भी ये बढ़िया वर्ग है वो उससे पैसे उधार लेते हैं, उसको टाइम पर देना पड़ता है, नहीं तो वो आगे के लिए नहीं देगा। किसानों की पीड़ा से जब हमने राजस्थान के कृषि मंत्री को अवगत कराया तो वो भी द्रवित हो उठे और जल्द समस्या का समाधान करने का एक बार फिर से आश्वासन दिया। पिछले दिनों प्रदेश भर में कई संगठनों के द्वारा किसानों को मुद्दों के लेके धरने प्रदर्शन हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर बातचीत करके उनकी सारी समस्याओं को सूचीबद्ध करके जितने प्रकरण डिस्पोजल हो सकते थे हमारी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको डिस्पोजल किए। लेकिन अभी आज तक के जो आंकड़े को हैं देते 124 सेंटर राजफेड के माध्यम से राजस्थान में सभी जिलों में खोले गए हैं, और आज तक 108 ऐसे हमारे सेंटर कुल जिनमें रजिस्ट्रेशन का काम आज पूरा हो चुका है। इसी प्रकार लगभग 31 ऐसे सेंटर हैं जहां पर प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और 75 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर कल से समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन खरीदने का काम शुरू होगा। मूंगफली का जहाँ तक समर्थन मूल्य खरीद का सवाल है, अभी भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है, क्योंकि मूंगफली का प्रोक्योरमेंट अभी राजस्थान में शुरू नहीं हुआ है, 10-15 दिन में उसका प्रोक्योरमेंट राजस्थान में शुरू होगा, तो हम लोगों ने कल ही उसके प्रस्ताव कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजकर शीघ्र अनुमति मिलने पर मूंगफली क्रय केंद्र भी स्थापित करके किसानों को राहत पहुँचाई जाएगी। तो राजस्थान के कृषि मंत्री जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, 2022 अभी काफी दूर है। किसान आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक धड़ों को समस्या से लड़ने और समाधान खोजने के बजाय अस्थिरता का वातावरण बनाए रखने में ज्यादा रुचि है, ऐसा लगता है। अब ऐसे हालात में आत्महत्या के लिए किसी को भी मजबूर कर देंगे ये हालात। ऐसे में किसान अगर आत्महत्या करता है तो वो आत्महत्या होगी या सरकारी व्यवस्था के हाथों की गई हत्या, क्योंकि किसानों के लिए सरकारी समर्थन तो मिलता है पर समर्थन मूल्य नहीं। प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे अपने एडिटर इन चीफ संजय शर्मा का। संजय जी, किसानों को हर राजनीतिक धड़ा समर्थन अपना देता है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पाता है, क्या यही स्थिति रहेगी और 2022 तक इन्हीं परिस्थितियों में उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी?
दीपक, हमें अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें, किसी एक पार्टी की बात करने की बजाय अगर हम ये देखें कि जो हमारी आर्थिक नीति जो 1991 से जब आर्थिक सुधार शुरू हुए, तो उसके बाद ये देखा, अगर लगातार आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कृषि उत्पाद की कीमत और जो उस पर हमें इनपुट लेना होता है, जो चीज़ें कृषि पैदा कर, चाहे बीज है, खाद है, ट्रैक्टर है, इन सब की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। बिजली की, पानी की कमी होती जा रही है लगातार। इस हालत में ये तय है, बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि अब देश में खेती अब लाभदायक नहीं है। इसी स्थिति में, इसी बैकग्राउंड में स्वामीनाथन कमीशन एक आया जिसने कहा कि जो भी लागत लगती है उसके मूल्य पर 50% हमें किसान को देना चाहिए, जिसमें उसका लाभ भी शामिल है, उसकी मजदूरी भी शामिल है। इस हालत में एक लगता था विकल्प कि शायद जो किसान लगातार, आप अगर देखें तो पिछले बहुत साल से, अगर 89 से मुझे याद है पहली बार जब देवीलाल ने कर्जा माफी शुरू की, फिर मनमोहन सिंह के टाइम पे कर्जा माफी राष्ट्रीय स्तर पे हुई, अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की कर्जा माफी, लेकिन कर्जा माफी भी लगता है हर बार किसान की मांग उठती है, लेकिन कर्जा माफी भी लगभग उनको कर्जे में जाने से नहीं रोक पा रहा। हमारा जो सोच है वो ये है कि देश के 50% जो वर्कफोर्स है वो इस क्षेत्र से आती है और जीडीपी में सिर्फ 14% इनका योगदान है, तो हम कैसे, ऐसा क्या करें कि हम लोगों को रोक के उन्हीं की जगह पर, इसकी वजह से हमारे शहरों में भी क्राइसिस आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, तो और निराशा की स्थिति बन रही है। तो किसानी निश्चित तौर पे बहुत क्राइसिस है, और वो जो इवन पंजाब और जो हरित क्रांति का जिन जगहों पर लाभ मिला वहाँ से जब आत्महत्या के मामले आते हैं तो हम बहुत चौंकते हैं कि हो क्या रहा है। तो इस स्थिति में जो सारी सरकारें हैं उनको पूरी तरह से सोचना होगा कि क्या नया एक दर्शन लाया जाए जिससे किसान की हालत ठीक की जा सके। जी जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, हम अपने दर्शकों से उनका परिचय करा दें। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के कृषि संपादक हरीश दामोदरन जी जुड़े हुए हैं, साथ ही राजस्थान के किसान नेता अमरा राम जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचुरियावास भी जुड़ चुके हैं, पीसीसी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो हम हरीश जी से ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं धरातल पर लागू करने का दावा करती हैं वो असरदार साबित हो रही हैं, उनका कोई फर्क भी किसानों के जीवन पर पड़ता दिख रहा है हरीश जी? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, आवाज मिल रही है? चलिए हम अमरा राम जी से जान लेते हैं किस तरह की परेशानियां आ रही है। लगातार किसान आंदोलनरत हैं और उसके बावजूद सरकारी आश्वासन है कि हम हर मांग पर गंभीरता से गौर कर रहे हैं। अमरा राम जी, क्या वाकई लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों पर गौर कर रही है? समझौता किया है जी, लेकिन जो मूल जो इस समस्या का समाधान है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, लागत का डेढ़ गुना कीमत देना, उसकी नीतियों के चलते जो किसान कर्जे में डूबा है, जिन नीतियों का नाम पूरा डीजल 62 रुपए है, 250 रुपए डीएपी 1300 है, बीज खाद डीजल हर चीज पैसिस है, जो कुछ किसान खेती में काम लेता है वो 7 से 8 गुना की रेटे भी है, और किसान की कीमत मुश्किल से सवालियों से भी होती है, और जो आयात फ्री किया है नीतियों का दोहरा असर हो रहा है, इस पर लागत बाजार के हवाले कर दी गई है, और दूसरी तरफ आयात जो विकसित राष्ट्र है उनसे कृषि उत्पाद 1867 वस्तुएं देश में आने का किया है वो केंद्र सरकार लागू कर सकती है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव कर सकती है, केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत की डेढ़ गुना दे सकती है, और डेढ़ गुना देगी तो न केवल किसान को फायदा होगा बल्कि खरीदने खड़े वाले जो 50% लोग हैं जी उनको भी आप देखेंगे कि अरहर दाल है, मूंग है, चना है, वो मुश्किल से 50 रुपए किलो में किसान से खरीदा जाता है, और दाल 150 से 200 रुपए तक बेची जाती है जी। केवल एक साल में मुकेश अंबानी और अडानी में 3 लाख करोड़ का चूना किसान और जिसके खाने वाले दलहन खाने वाले लोगों ने देश में, चाहे वो चावल खाता है, चाहे वो रोटी खाता है, वो दाल जरूर खाता है, लेकिन इस तरह से लूट दो तरफा हो रही,
पैदा करने वाले की भी लूट हो रही है और खरीद के खाने वाले की भी होगी। स्वामीनाथन के अनुसार अगर देश की सरकार इसके लिए फंड बनाएगी, लागत की डेढ़ गुणी कीमत होगी तो किसान की जेब में। स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा एक समाधान दिखती है। हरीश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रहा है। हरीश जी, सरकार का दावा है कि हमने कई योजनाएं किसानों के लिए शुरू की हैं, अलग अलग राज्यों की सरकार ने भी किसानों को राहत देने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिशें की है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की स्थिति बदलती नहीं दिख रही है। क्या आने वाले वक्त में कोई उम्मीद है? देखिए, आज का मेन प्रॉब्लम तो ये है कि किसान को जो है अच्छा ये प्राइस नहीं मिल रहा है उनको जो है वो जो मिलना चाहिए। जैसे आप अगर आप राजस्थान का ही देख लीजिए, अभी जो है ये मूंग का रेट जो है, जबकि सरकार ने जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 55-75 का अनाउंस किया है, अभी जैसे अजमेर और दूसरे मंडियों में वगैरह भी 4200 के लिए मूंग बिक रहा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे बाजरा का रेट जो है, जबकि समर्थन मूल्य तो 1425 है, लेकिन 1100-1000 के लिए बिक रहा है पर क्विंटल। तो मेन आज का मेन इश्यू तो है ये है कि किसान को जो है वो मूल्य सही नहीं मिल रहा है, और उसी के वजह से जो है ये सब, ये बाद में ये आ जाता है कि ये कर्जा माफ करो और ये सब जो है, ये मेन मुद्दा तो आज यही है। और मुझे लग रहा है ये नोटबंदी की वजह से भी ये हुआ है। नोटबंदी के बाद जो है ये सेंटिमेंट जो है बाजार में जो है बहुत वीक है, और उसकी वजह से जो है मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट तो किसानों पे ही हुआ है जी। हरीश जी, लेकिन किसानों से जो खरीद होती है वो काफी कम कीमत पर होती है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, तो किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, बाजार में लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ ही रही है, तो फिर ये पैसा जा कहां रहा है बीच का? वही है ना, क्योंकि एक तो ये भी है कि ये सरकार खासकर ये जो है ज्यादातर जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ये फार्मर ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है। तो जब भी कोई चीज का जो है ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तब सरकार इमीडिएटली जो है उसको जो है ये आयात करेंगे, फिर उसके बाद ये जो रेड लगा देंगे, ये जैसे जैसे हमने इसमें सब देखा है, ये जो प्याज में देखा है, ये जो ट्रेडर्स के ऊपर जो है ये छापा पड़ता है, ये सब पड़ता है, और उससे जो है वो प्राइस जो है गिरता है। लेकिन जब प्राइस बहुत ज्यादा गिरता है उसके उस टाइम पे तो सरकार कुछ करता नहीं है जी। तो मेन ये है कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से जो है ये किसान जो है उसी पे ज्यादातर ये असर हो रहा है। तो ये सब जो हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो है ये फार्मर का इनकम डबल करो, ये सब फालतू है बोलने में, अगर रेट किसान को सही नहीं मिल रहा है। और ज्यादातर ये जो है वही है जो शहरों में जो रह रहे हैं, उस शहरी उपभोक्ता को जो है उसको खुश रखने के लिए जो है किसान जो है पिक रहा है। तो इसका मेन मुझे तो लग रहा है यही मेन रीजन है। और किसान इसमें भी तो फंस रहा है ना, क्योंकि उसके जो है ये कीमतें तो बढ़ रही है। ये देखिए अभी जो है ये पेस्टिसाइड का वगैरह कोई भी आजकल का नया, बिल्कुल लागत लगातार बढ़ते जा रहा है, और मुनाफे की तो सोचने की भी हिमाकत किसान नहीं कर सकते जो स्थिति। हमारे साथ स्वराज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया दीपक भाई। योगेंद्र जी, कब तक एक इंडस्ट्री जिंदा रह सकती है जहां लागत मूल्य उत्पादन से ज्यादा हो? यही दुविधा है, यही संकट है। मैं आपके एक्सपर्ट साहब की बात सुन रहा था और सही वो कह रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान के किसान की सारी कहानी चार शब्द में आ जाती है, आमद खर्च, आपद खर्च जी। आमदनी बढ़ नहीं रही, फसलों का दाम बढ़ने दिया नहीं जा रहा, जान बूझ के दबा के रखा जा रहा है, खर्चा लागत भी बढ़ रही है, घर खर्च भी बढ़ता जा रहा है जी। एक भी आपदा आ जाए, एक सूखा आ जाए, एक बाढ़ आ जाए, किसान उस स्थिति में नहीं है उसका मुकाबला करने के लिए, और परमानेंटली कर्ज में दब जाता। जब तक इस दुष्कर से किसान को निकालने का प्रयास नहीं होगा तब तक खेती किसानी बचेगी नहीं। हर जगह ये हो रहा है, बाजरे की फसल के साथ जो हो रहा है वो लेटेस्ट है। सरकार के हिसाब से मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं है, लेकिन बाजरे की लागत मूल्य शायद 1400 के करीब है जी।
और सरकार उस पे एमएसपी घोषित करती है 1425 रुपया, खरीद करती नहीं है। हरियाणा का मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, किसान 1100 रुपए में बेच रहा है, अधिक से अधिक नहीं तो 1000 रुपए में बेच रहा है। जो पूरी बेल्ट हरियाणा की है, नारौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, जहां पे बाजरे की खेती होती है, अब किसान कैसे बचे, घाटा उठा के कैसे खेती की जा सकती है, ये तो संभव नहीं है। और बार बार इस पूरे देश में जो किसान विद्रोह हो रहा है, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ पंजाब में चल रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हुआ, वो इसलिए हो रहा है कि किसान कहता है कि चलिए सूखे के साल में मुझे आमदनी नहीं हुई, मैंने समझ लिया वो तो प्रकृति का प्रकोप है जी। लेकिन जब मेरी फसल होती है तब उसका दाम नहीं मिलता तो किसान। बिल्कुल योगेंद्र जी, क्या एक तरह से कहें कि देश की अधिकांश समस्याओं की जड़ कृषि क्षेत्र ही है, वहां अगर लोगों को आमदनी का बेहतर साधन मिल जाए तो शहरों में भीड़ नहीं हो, बेरोजगारी की समस्या ना हो और तमाम तरह की जो समस्याएं शहरों में देखने को मिलती है, देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें भी काफी राहत मिल सकती है। कई समस्याओं का समाधान जरूर हो सकता है अगर किसान खुशहाल हो, अगर किसान को चार पैसे बचे तो शहरों की तरफ पलायन कम होगा, शहरीकरण की समस्याएं कम होंगी और जो आत्महत्या हो रही है, गांव की जो बदहाली है वो कम होगी। और ये मानिए कि यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, गांव में खपत होती है माल की, कंज्यूमर डिमांड गांव में बढ़ती है तो पूरा देश उसका फायदा होता है, सब उद्योग को फायदा होता है, सब तरफ से देश को फायदा होता है। लेकिन अगर गांव और खेती इतनी बदहाली में रही तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। पिछले 10-15 साल का जो देश का अनुभव है वो ये है कि हमारी कृषि की GDP अधिक से अधिक 3% 3% बढ़ती है, सामान्य से 1.5% बढ़ती है और उसके चलते पूरे देश की GDP डाउन हो जाती है। तो कृषि एक तरह से कृषि की बदहाली पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नीचे खींच, और कृषि में अगर खुशहाली आती है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। लेकिन ये सोचते हैं कि नीति निर्धारकों को चिंता कहाँ है, कहीं उनकी प्राथमिकता में नहीं है, कहीं उनकी चिंता नहीं है, कहीं उनका दर्द नहीं है। GST में व्यापारी को धक्का लगता है, सरकार को उसका दर्द समझ आ जाता है, चाहे 2-3 महीने बाद आता है और कम से कम उनके लिए कुछ छूट होती है जी। किसान का दर्द बिल्कुल नासूर बन गया है, रोज है, हर एक को पता है, कुछ नहीं हो रहा उसके बारे में जी। संजय शर्मा हमारे एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ जानना चाहेंगे। संजय जी, योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक हवा सी चली है दुनिया में सोच की कि, और खासतौर से इंडिया में जब हम 91 के बाद, कि हमें जो एग्रीकल्चर से लोगों को हटाना है, अब स्मार्ट सिटीज की बात चाहिए, ये विकास का मॉडल जो चाइना वाला है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा विकास की गति तेज होगी और लोगों में समृद्धि बढ़ेगी, किसानी को इस तरह से मानने लग गए कि अगर किसानी बढ़ती हुई है तो ठीक है, लोगों को थोड़े से ठीक हाल में वहीं रोका जा सकता है। तो इस अंतर्द्वंद का इस सारे नीति निर्धारण में क्या फर्क पड़ा हो सकता है? यही सारी समस्या की जड़ है कि इस देश के नीति निर्धारक मान के चल रहे हैं कि कृषि, खेती, गांव ये तो छिलका है हमारे विकास का, जूस निकाल दिया, छिलके को हम डस्टबिन में फेंक देंगे। कहीं ये मान्यता, और ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह देते हैं कि कृषि में आपको संख्या कम करनी होगी, कृषि पे संख्या का दबाव कम करना होगा, साल में बहुत अच्छी बातें सुन के रखती है, लेकिन वो भूल जाते हैं। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तानी दिमाग इतना नकलची दिमाग है कि जो यूरोप में हो गया वो तो हमारे यहाँ होगा ही होगा, वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा, वो तो हमारी नियति है जी। वो एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि जब यूरोप में कृषि पर आधारित जनसंख्या बहुत तेजी से घटी थी उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय यूरोप में शहरों में रोजगार इतनी तेजी से बढ़ रहा था। शहरीकरण से समस्या नहीं सुलझेगी जब तक शहरों में नौकरी नहीं होगी। अगर शहरों में नौकरी नहीं होगी और लोग शहरों में आएंगे तो ये शहर तो नरक बन जाएंगे, ऑलरेडी बन रहे हैं हमारे शहर नरक, पूरी तरह नरक बन जाएंगे। तो जब तक औद्योगों में रोजगार नहीं बढ़ता तब तक तो ये संभव नहीं है। आज हमारे देश में रोजगार बढ़ने की बजाय घट रहा है, सरकार ऑफिशियली कह चुकी है, और इसे मोदी सरकार ने
पीछे मनमोहन सिंह सरकार ने भी माना था कि इट्स जॉबलेस ग्रोथ, नौकरियां नहीं है। जब नौकरियां नहीं होंगी और लोगों को कृषि से ठाला जाएगा तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? दुविधा वाली स्थिति है। अगर 2022 तक बचे रहें तो फिर पता चलेगा कहां गए वो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी और हरीश दामोदरन जी अपना वक्त देने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, तमाम आंदोलन, विपक्ष का समर्थन, सरकार का दावा कि हम किसानों के हितैषी हैं, इसके बावजूद समर्थन मूल्य तक किसानों को नहीं मिल रहा है, फिर क्या सरकार और क्या विपक्ष किसानों के लिए? रामपाल जी, अमरा राम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अमरा राम जी, सभी चिंतित हैं किसानों की समस्या को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई किसानों की समस्या के समाधान के लिए भी सोचता है? कोई एक व्यक्ति नहीं सोच रहा। 90 से लेकर आज तक जो नीतियां थे वो कांग्रेस रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी रहे, सबने किसान विरोधी नीतियों को लागू किया और उसी का नतीजा है कि पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। आत्महत्या जब करता है उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और ये नीतियां जब तक नीत और नीति नहीं बदलेगी तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। और जो स्वामीनाथन आयोग का आयोग बैठाया गया था वो इसी बात के लिए बैठाया गया था कि खेती में ये संकट है, कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो सकता है, लेकिन संकट का नीति से आया है तो नीति से समाधान होगा। और उन्होंने साफ 2006 में ये रिपोर्ट दे दी, उसके बाद 2014 तक यूपीए की सरकार रही, फिर मोदी की आए सरकार में कहा कि मैं अगर सरकार में आया तो अच्छे दिन ला दूंगा, लागत के 1.5 गुने दूंगा, बेरोजगार की नीचे से बढ़ रहा उसको हर साल 2 करोड़ को काम दूंगा। काम उल्टा किया जी, बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, उसके बाद में नोटबंदी लेके आए जिसमें फसल नष्ट हुई, उसके बाद में जीएसटी लेके आए, उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो मात्र 16-17 में केवल प्राइवेट कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपया किसान और इस देश की जनता का धन लुटाने का काम किया। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की एक एक नीति उन किसानों के खिलाफ है। जब तक ये नीतियां नहीं बदली जाएगी और वो नीतियां देश की सरकार बदल सकती है, तो मैं समझता हूँ अभी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जिस तरह के आंदोलन देश में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है जी। देश का आधी से ज्यादा आबादी जिस रोजगार पे लगी हुई है, आज वही सर्वे इस बात का गवाह है कि 50% किसान अगर खेती के अलावा कोई अगर उसको साधन मिल सकता है तो खेती छोड़ने के लिए तैयार। दुखद स्थिति है, अगर किसान ही खेती छोड़ देंगे और रोजगार सरकार के पास है नहीं तो क्या होगा इस देश का? रामपाल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ दीपक जी। रामपाल जी, पक्ष भी आपके हितैषी होने का दावा करता है, विपक्ष आपकी आवाज बुलंद करने का दावा करता है, लेकिन लग रहा है किसान इन दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। किसानों का तेल निकाल लिया जा रहा है पर उन्हें दिया कुछ नहीं जा रहा। दीपक जी आप सही कह रहे हैं, जब तक विपक्ष सत्ता में नहीं रहता तब तक तो वो बोलता है किसानों की बात, जैसे सत्ता में वो आते हैं वैसे पलटा खा जाते हैं, फिर किसानों को भूल जाते हैं और इस कारण से किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और ये स्थिति शुरू से ही चल रही है, इसलिए किसान दुखी है, त्रस्त है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जहां भी अभी फसलें पैदा की है किसानों ने जी, उनकी फसलें उनको अपनी जेब से जितना पैसा चुआ उतना भी प्राप्त नहीं हो रहा बेचने। जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन तय किया है फसलों का जी, वह लागत से कम होते हुए भी सरकार उस पर खरीद नहीं कर रही, इसलिए 1 क्विंटल मूंग किसानों को 2 से लेकर 2,500 रुपए तक का घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। यही स्थिति उड़द की है और इसके पहले यही स्थिति अरहर की रही थी। रामपाल जी, ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर किसान चाहें कि हम अपना उत्पाद ना बेचें, उसे स्टोर करके रखें जब तक बाजार हमें उचित मूल्य नहीं देता, क्या कोई संभावना ऐसी है? या फिर ये कच्चा उत्पाद होने की वजह से किसानों का और लोग शोषण करते हैं कि ये तो रख नहीं सकते, बेचना इनकी मजबूरी है। दीपक जी आप सही कह रहे हैं, ये जो किसान की स्थिति है
वह भंडारण कर नहीं सकता, भंडारण की उस पर क्षमता नहीं है और उसके पास सुविधा नहीं है। इस कमजोरी का लाभ ही बाजार उठाता है और बाजार के साथ हमेशा सरकार का संरक्षण रहता है, सहयोग रहता है। इस कारण से किसान हमेशा पिटता, इसका उपचार है। यदि सरकार हर गांव में बना दे गोदाम और 2007 एक कानून बना हुआ है वेयर हाउस की रसीद के आधार पर किसान को उस फसल की लागत का 80% ऋण मिल जाएगा, लेकिन वो कानून तो है कि उसकी पालना के लिए सरकार ने भंडारण कहीं नहीं बनाए। यदि वो गोदाम हो, गांव गोदाम हो, उन गोदामों में किसान अपनी फसल को रखकर 80% पैसा ले ले तो वो सुविधा और क्षमता दोनों के कारण, दोनों के अभाव के कारण लुटेगा नहीं। इसी स्थिति तो है, सरकार भी जानती है इस चीज को। ये कानून सरकार ने बनाया 2007 में, आज 2017 हो गया, 10 वर्ष में भी उस कानून का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि 10 वर्षों के आप इतिहास बता रहे हैं रामपाल जी, और मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक इंतजार कीजिए, पूरा परिदृश्य ही बदल जाएगा किसानों के लिए। लेकिन संजय जी, अमरा राम जी अभी बता रहे हैं कि अगर कोई छोटी सी उम्मीद की किरण भी दूसरी जगह दिखे खेती किसानी को छोड़कर, तो 50% से अधिक किसान खेती छोड़ देंगे। ये किसानों की समस्या है या पूरे देश की समस्या है, हमारी आपकी समस्या है, हम कल खाएंगे क्या अगर किसान खेती छोड़ देंगे तो? बिल्कुल दीपक, एक हमारा बहुत साल से एक चर्चा चलती रही है कि हमारे आर्थिक ढांचे में कोई परेशानी है जो कई बातों का जवाब नहीं दे पाता। एक तो ये कि जब अगर हम हमारे लोगों को रोज़गार मिलना, किसी भी आर्थिक व्यवस्था में अगर आप देखें कि अमेरिका में डिस्कस होगा तो वहाँ GDP नहीं डिस्कस होगी, वहाँ बोला जाएगा कि कितने लोगों को नौकरी दी। तो हमारे आर्थिक ढांचे की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हमने माना कि किसानी अगर बहुत पूरी दुनिया भर में, यही नहीं पूरी दुनिया भर में किसानी से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है तो उनको सपोर्ट दिया जाता है। अमेरिका $1 trillion की सपोर्ट करता है अपने किसानों को, जबकि बहुत थोड़े हैं। उस हालत में ये हमें धीरे धीरे लोगों को शिफ्ट भी करना था, उसका बहुत हिंदुस्तान में तरीका है, वो बड़ा बर्बर तरीके से कि ज़बरदस्ती धक्का मार के इन्हें कहीं भेजो, और जहाँ भेज रहे हो वो लगभग ऐसा है कि आप किसी बॉर्डर से किसी देश में फेंक दे और वहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है उनको। अब शहरों में पहुँच गए, कच्ची बस्तियों में मजदूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मजदूर अब जैसे आप देखें तो पिछले तीन चार साल में पूरी तरह जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो कलेप्स कर गई। जब वो कलेप्स कर गई तो बहुत सारे किसानों को हम वहाँ खपाते थे कि वो अपना काम करके कुछ अपना रोजगार चला सकें, वो कलेप्स कर गई। अब स्थिति ये है कि ना वहाँ जाने से हमें कुछ मिल रहा है और ना हमें किसानी करने से कुछ मिल रहा है। तो सवाल इसमें कुछ सुझाव दुनिया भर में चलते रहे। एक तरीका ये था कि हमने माना कि किसानी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हेल्थ के बारे में, वो शिक्षा के बारे में, वो और सुविधाओं के बारे में, वो लगभग फ्री जैसी स्थिति करके काफ़ी समृद्ध बनाना चाहिए, जिससे लोगों को अपना कौशल का विकास कर सकें और अपना कौशल का विकास करें तो वो नए रास्ते, लोग नई ऊर्जा से, नई जानकारी से नए रास्ते निकाल सकें। लेकिन तब तक किसानी को उतनी ही मदद की ज़रूरत है जिससे कि हम सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकें। वो अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सरकारें जो हैं वो पूरी तरह फेल हो गई। और आप एक सोचिए, हिंदुस्तान को अगर आप कृषि को हिंदुस्तान से हटा दीजिए तो हमारी कल्चर ही कोलैप्स कर जाएगी। हमारी होली दिवाली त्यौहार हर चीज़ किसानी से जुड़ी हुई है, उनकी खूबसूरती है, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखना चाहती है हमारे। हम अगर एक किसानी हमारे लिए अर्थव्यवस्था ही नहीं है, वो हमारी संस्कृति भी है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग नई संस्कृति, नया अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा विकल्प है कि इतने लोगों को संभालेंगे, उनको नई व्यवस्था में वो सम्मान मिलेगा जो उसे किसानी में मिलता रहा। बिल्कुल, किसान को गर्व होता है। और अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी जाए तो वो किस टांग पर, किस तरह से खड़ी होगी, ये सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमरा राम जी और रामपाल जाट जी अपना वक्त देने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, समर्थन मूल्य होने के बावजूद पैसा उन्हें समर्थन मूल्य से कम मिल रहा है, वो अपने उत्पाद की कीमत तय नहीं कर पाते, खरीदार उनके उत्पाद की कीमत तय करता है, और तमाम तरह की समस्याएं हैं। फिर भी किसान जूझ रहे हैं और खेतों में बीज बोकर फसल काट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके दिन भी बोहरेंगे, पर कब ये कहा जा रहा है, किया जाएगा, इसकी उम्मीद रखी गई है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।